भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने शुक्रवार को देश के विभिन्न हिस्सों से आए सिल्क इन्वेस्टर्स और अन्य पदाधिकारियों के साथ जिला अतिथि गृह में बैठक की। इस बैठक में कनाडा, चेन्नई, तेलंगाना और टाटा जैसे स्थानों से आए उद्योगपति शामिल हुए। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य भागलपुर की सिल्क कारोबारियों की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाना है। उन्होंने कहा कि भागलपुर की सिल्क उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यहां स्थानों की व्यवस्था की जाएगी और उद्योगपतियों से निवेश की संभावना पर चर्चा की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा है कि यह स्मॉल इन्वेस्टर मीट विशेष रूप से भागलपुर के सिल्क कारोबार को पुनर्जीवित करने के लिए आयोजित की गई है। उनका कहना है कि बहुत जल्द ही भागलपुर की सिल्क उद्योग अपनी पुरानी प्रतिष्ठा वापस हासिल कर पाएगी। डीएम ने कहा कि वह हमेशा अपने जिले के विकास के लिए तत्पर रहते हैं और इसके लिए वह हर संभव प्रयास भी करते हैं। अभी एक स्मॉल इन्वेस्टर्स मीट स्पेशली जो सिल्क के कारोबारी है जितने भी हैं हमारे देश में विभिन्न जगहों से, जैसे चेन्नई सिल्क है, तेलंगाना से लोग इंडस्ट्रिस्ट आए हुए हैं, टाटा से तनेरा कैंट को देखने वाले हमारे इंडस्ट्रिस्ट आए हुए हैं, तो सभी लोगों और CII के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और अन्य भी अधिकारी जन आए हुए हैं, तो उन लोगों के साथ हमारे जितने भी यहाँ मैन्युफैक्चरर्स हैं सिल्क के, उन लोगों को मैंने बैठक कराया है और हमारे देश के अन्य कोने से जितने भी इंडस्ट्रिस्ट आए हुए हैं उनको हम जो मैन्युफैक्चरिंग साइट्स है वो भी विजिट करा रहे हैं ताकि यहाँ सिल्क के रोज़गार को काफ़ी बढ़ावा मिल सके। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि यहाँ उन्हें सुरक्षा और साथ ही जो भूमि जो सरकार के द्वारा जो भी जहाँ भूमि दी जाती है या इंडस्ट्रियल स्पेस दिया जाता है वो भी हम लोग प्रोवाइड करें ताकि सिल्क इंडस्ट्री को काफ़ी ग्रोथ मिल सके और यहाँ के लोगों का उत्थान हो सके। और भागलपुर में जो हमारा सिल्क सदियों से काफ़ी फेमस रहा है, सिल्क सिटी फेमस रहा है, तो उसको हम रिवाइव कर सके, उनकी कोई भी प्रतिष्ठा को और हम प्राप्त कर सके और बढ़ा सके। श्रावणी मेला को लेकर अजगैबीनाथ नगरी पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। इस बार मेले का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री और मशहूर गायक हंसराज द्वारा किए जाने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 22 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन के निर्देश पर शुक्रवार को सदर SDO धनंजय कुमार ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ पुलिस शिविर का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। दरअसल सावन शुरू होने से पूर्व बंगाल और असम के हजारों कांवरिया अजगैबीनाथ धाम से बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हो रहे हैं। इसके लिए सुल्तानगंज के सभी दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानों को भी सजाने का कार्य शुरू कर लिया है। वहीं जिला प्रशासन के निर्देश पर गंगा घाट में बैरिकेडिंग और उद्घाटन मंच को भी सजाया गया है। वहीं इस बार श्रावणी मेला के उद्घाटन के लिए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आगमन होने जा रहा है। साथ ही मशहूर गायक हंसराज बाबा रघुवंशी भोलेनाथ का भजन गाकर धूम मचाने के लिए पहुंच रहे हैं। कामरियों ने बताया कि इस बार मेला की तैयारी अच्छी है, लेकिन साफ सफाई और पेयजल की व्यवस्था में काफी सुधार की जरूरत है। वहीं दुकानदारों ने भी शिकायत की है कि अभी तक सामान की खरीद बिक्री के रेट चार्ट उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, जिससे उन्हें सामान बेचने में परेशानी हो रही है। छत्तीसगढ़ पहली बार आए हैं यहाँ? देख, मैं पहली बार आया, बाकी लोग आए हैं। तो यहाँ घूमे आप लोग अभी? हाँ। कैसा लगा यहाँ अजगैबीनाथ धाम? अभी तो गए नहीं, वहाँ के देखेंगे, उसके बाद बताएंगे। जी जी, कैसे कब लोग आप लोग कब जल उठाइएगा? अभी जाएंगे, हाँ जी, बाबा धाम जल आज उठाइए। कहाँ से आए हैं बम? हर महादेव। कहाँ से आए हैं? कलकत्ता। कलकत्ता से? हाँ, कलकत्ता। जय बाबा वैद्यनाथ, हर हर महादेव। कितने लोगों का जत्था आप लोगों का? हम लोग तो 5 आदमी है, 2 कवर है। वजन कितना है कावर का? कावर का वजन है 60 है। 60 किलो? 60 किलो का। तो बाल बाल झड़ रहे हैं, गंजेपन के शिकार से बचना चाहते हो तो आ जाओ फिर इंस्टेंट हेयर सॉल्यूशन। ये सीधा तिलका मांझी चौक से आपको खानपट्टी वाले गली में मिल जाएगा। जब तुम सीधा अंदर आओगे तो फिर आ जाओगे इंस्टेंट हेयर सॉल्यूशन और देख लो अंदर का इंटीरियर, लाजवाब है। और यहाँ के रिजल्ट देख के तो मतलब मजा ही आ जाएगा, ये देखो, है ना? तो आ जाओ फिर। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप इस वीडियो के थ्रू वहाँ जाते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। एंड गो फॉर इट,
मजा आ जाएगा। हमारा पता है थानपट्टी रोड तिलका मांझी चौक भागलपुर। मोबाइल नंबर 6200643686। भागलपुर व्यवहार न्यायालय स्थित उत्पाद कोर्ट ने शराब तस्करी के दो अलग अलग मामले में दो अभियुक्तों को सजा सुनाई, साथ ही अर्थदंड भी लगाया है। मामले को लेकर एक्साइज पीपी भोला मंडल ने बताया कि पहला मामला सनौला थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने वाहन जांच के दौरान मोटरसाइकिल की डिक्की से 40 लीटर देसी शराब बरामद किया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी मोहम्मद रज्जाक को मौके से गिरफ्तार कर लिया था। जबकि दूसरा मामला कहलगांव थाना क्षेत्र के सोभानपुर का है, जहां पुलिस गश्ती के दौरान झारखंड की ओर से आ रहे बाइक सवार को जांच के लिए रोका गया। वहीं जांच के दौरान बाइक की डिक्की से 50 लीटर देसी शराब बरामद किया गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी अवनीश भारद्वाज को मौके से गिरफ्तार कर लिया। आज दो केस में सजा हुई है। एक केस सनहौला 123/23, जिसमें अभियुक्त के रूप में मोहम्मद रज्जाक था, या 5/8/23 को वाहन चेकिंग कर रहे थे सनहौला में, उसी दरमियान एक बिना नंबर प्लेट की गाड़ी आई 17 बजे के लगभग, और उस पर मोहम्मद रज्जाक नाम रोका और नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम मोहम्मद रज्जाक बोला, जिसमें मोटरसाइकिल पर 40 लीटर देसी शराब बरामद हुआ। उसमें आज उत्पाद कोड 2 ADJ 12 में सजा सुनाई गई। 5 साल की सजा, 1 साल 1,00,000 रुपया की जुर्माना नहीं देने पे 2 महीनों की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। दूसरे भागलपुर में बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ के बैनर तले होमगार्ड जवानों ने अपनी 21 सूत्री मांगों को लेकर काला बिल्ला लगाकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इससे पहले होमगार्ड ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक ज्ञापन भी सौंपा था। बता दें कि यह विरोध प्रदर्शन 19 से 23 जुलाई तक जारी रहेगा, जिसमें होमगार्ड जवान अपनी मांगों के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। दरअसल भागलपुर गृह रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक के उपाध्यक्ष पवन कुमार यादव ने बताया कि मुख्यालय द्वारा कई बार गृह रक्षकों की समस्या का समाधान के लिए लिखित और मौखिक अनुरोध किया गया, बावजूद इसके सरकार और प्रशासन का नजरिया उनके प्रति उदासीन रहा। वहीं होमगार्ड जवानों का कहना है कि वे सरकार के विभिन्न कार्य जैसे थाना, यातायात, शराबबंदी, बैंक, बिजली, नगर निगम, डाकघर, टेलीफोन, अतिक्रमण हटाने में 24 घंटे काम करते हैं, बावजूद इसके उन्हें पिछले 8 वर्षों से केवल 774 रुपये दैनिक भत्ता के रूप में दिया जा रहा है, जो बढ़ती महंगाई के अनुपात में काफी कम है। पवन यादव ने बताया कि देश के अन्य राज्यों में बिहार के अपेक्षा ज्यादा भत्ता और वेतन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और पटना हाई कोर्ट ने अपने फैसले में समान काम के लिए समान वेतन का आदेश पारित किया था, लेकिन सरकार इस आदेश की अनदेखी कर रही है। प्रदर्शन के दौरान होमगार्ड जवानों ने ड्यूटी पर मौत या पूर्ण दिव्यांग होने पर आश्रितों को अनुकंपा का लाभ देने और घायल होने पर इलाज के दौरान ड्यूटी पर मानते हुए भत्ते का भुगतान करने की मांग की। होमगार्ड जवानों ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर सरकार द्वारा कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो होमगार्ड जवान बेमियादी हड़ताल पर चले जाएंगे। पूरे बिहार के संघ प्रतिनिधि जो है सभी जिला में सरकार से आगाह किया गया है कि सरकार अगर हमारी मांगे को नहीं मानती है तो बिहार के तमाम जिला में जो है 19 से 23 तक जो है सभी बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ के जवानों ने जो है पूरे जिला में अपना काला बिल्ला लगा करके अपने कर्तव्य पर जो है कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। यह 5 दिन का जो है काला बिल्ला का जो है दिशा निर्देश जारी जो है जिला मुख्य राज्य के द्वारा जो है निर्धारित किया गया है। अगर राज्य सरकार इस पर हमारी मांगे के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकालता है तो फिर 1 दिवसीय जो है धरना जिला पदाधिकारी के समक्ष होगी। तो बाल बाल झड़ रहे हैं, गंजेपन के शिकार से बचना चाहते हो तो आ जाओ फिर इंस्टेंट हेयर सॉल्यूशन। ये सीधा तिलका मांझी चौक से आपको खानपट्टी वाली गली में मिल जाएगा। जब तुम सीधा अंदर आओगे तो फिर आ जाओगे इंस्टेंट हेयर सॉल्यूशन और देख लो अंदर का इंटीरियर, लाजवाब है। और यहाँ के रिजल्ट देख के तो मतलब मजा ही आ जाएगा, ये देखो है ना।
तो आ जाओ फिर। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप इस वीडियो के थ्रू वहाँ जाते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। एंड गो फॉर इट, मजा आ जाएगा। हमारा पता है थानपटी रोड तिलका मांझी चौक भागलपुर। मोबाइल नंबर 6200643686।